अफगानिस्तान पर तालिबान ने तो कब्जा कर लिया, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने की है। अब तक दो बार सरकार बनाने के लिए तारीख की घोषणा हो चुकी है, बावजूद इसके तालिबान सरकार बनाने पर फैसला नहीं ले पाया है। अभी सरकार बनी नहीं है कि अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि तालिबान के नेताओं के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज हामिद काबुल पहुंच गए। ISI के चीफ अपने तालिबानी बरादर से मिलने पहुंच गए और फैज हामिद अफगानिस्तान में चाय पीने को बेताब दिखे। इसके पीछे का कारण बताएं, उससे पहले पाकिस्तान के PM इमरान खान का तालिबान के प्रति प्रेम भी सुन लीजिए। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है। ज़ेनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़ेनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। जिस तालिबान ने बंदूक के दम पर अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया हो, उस तालिबान के बारे में पाकिस्तान के PM का जो प्रेम है उसे दुनिया ने देखा है। जो तालिबान दुनिया में अपनी मान्यता को लेकर बेचैन है, जो इस्लाम और शरिया का हवाला देकर हुकूमत करना चाहता है, उसे खुद मुस्लिम देशों का समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान ही इकलौता मुल्क है जो तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए बेकरार है, जबकि दुनिया भर में 56 मुस्लिम देश हैं। पाकिस्तान के PM से लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री तक तालिबान के प्रति दुनिया को मनाने में लगे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तालिबान का प्रवक्ता बनकर रूस से लेकर दुनिया के तमाम देश को मनाने की कसरत कर चुके हैं। ये वही महमूद कुरैशी हैं जो उस्मान में तालिबान को क्लीन चीट दे चुके हैं। अब कुरैशी कहते हैं कि एक डर था कि तालिबान लड़कियों की शिक्षा पर बंदिश लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तालिबान ने सामान्य माफी की घोषणा की है, स्कूल और कारोबारी प्रतिष्ठान खुल रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि वो बदला नहीं लेंगे। तालिबान के शांतिपूर्ण उठाए गए सभी कदम स्वागत योग्य हैं। यानी तालिबान के लिए बैटिंग पाकिस्तान दिन रात कर रहा है। उसे लग रहा है कि तालिबान के अग्नि में उसकी जगह बन गई तो वो कश्मीर के मुद्दे को भी उछाल सकता है। उधर सरकार के गठन से पहले पाकिस्तान से तालिबान का ऐसा नाता कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वैसे तालिबान का पाकिस्तान से पुराना नाता है, लेकिन सरकार के गठन से पहले पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का पहुंचना कहीं भारत के लिए खतरा की घंटी तो नहीं? तालिबान सरकार के गठन में पाकिस्तान के दखल की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। वहीं हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बीच घनिष्ठता जग जाहिर है। वहीं तालिबान ने अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया है। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान में ISI के प्रमुख का दौरा क्यों हुआ, फिलहाल ये साफ नहीं है। हालांकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया है कि ISI प्रमुख का काबुल दौरा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए हुआ है। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि तालिबान सरकार के मुखिया बनने जा रहे मुल्ला बरादर खुद सालों पाकिस्तान की जेल में बंद रहे। कई और तालिबानी भी पाकिस्तान में सालों कैद रहे और तालिबान की हुकूमत अच्छी तरह जानती है कि पश्तून यानी पठान बिरादरी अपने ऊपर किए गए जुल्म या प्रहार को कभी भूलती नहीं है। ऐसे में ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान हक्कानियों को सरकार में मजबूत जगह दिलाने के साथ साथ तालिबान को भी पूरी तरह से भरोसे में लेना चाहता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।